स्टूडेंट्स वेलकम टू बीबीजीएन ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स प्रीवियसली वी लर्न अबाउट सेंस ऑर्गन्स। लास्ट टर्म में टॉपिक में सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे लेसन टू के माय बॉडी चैप्टर में, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था हमारा सेंस ऑर्गन्स। तो उसके अंदर हमने आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ये फाइव क्या होते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे आईज से मैं एक बार रिमाइंड करा दूँ आपको, आईज से वी कैन सी विद आवर आईज, आईज से अपन क्या करते हैं देखते हैं। एंड नोज, वी कैन स्मेल विद आवर नोज, नोज से हम क्या करते हैं स्मेल का पता रहता है। एंड वी कैन हियर विद आवर ईयर्स, कानों से हम क्या करते हैं सुनते हैं। एंड वी कैन टच या फील विद आवर बाय आवर स्किन, हमारी स्किन के द्वारा हमें क्या पता चलता है किसी चीज़ को टच करने से, फील करने से कि हॉट है कॉल्ड है कैसी है, तो वो स्किन से पता चलता है। एंड ये सारे टॉपिक मैंने आपको क्लियर किए थे। अब जो नेक्स्ट है आपका, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स। कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी किस काम को करने के लिए हेल्प करते हैं, जिनकी हेल्प से हम वो काम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हैंड्स, एच ए एन डी एस, हैंड्स। तो फर्स्ट हैंड्स हमने लिए बॉडी पार्ट, तो हैंड्स से देखो वी यूज अवर हैंड टू डू मैनी थिंग्स। हाथों से हम अलग अलग तरह की यूज में ले सकते हैं या फिर काम में लेते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक पॉइंट देखिए आप, ब्रश आवर टीथ। हम अर्ली मॉर्निंग में उठ के ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के लिए क्या यूज में लोगे, हाथ ही तो यूज में लोगे, हैंड से तो आप ब्रश को पकड़ते हो, तो ब्रश ओवर टीथ, हैंड से अपन क्या कर सकते हैं ब्रश ओवर टीथ, दांत को साफ करते हैं। राइट ए लेटर, हमें कुछ भी लिखना हो तो पेंसिल जब आप पकड़ते हो तो किस में पकड़ोगे आप, अपने हाथ से, तो राइट ए लेटर, तो उसके लिए भी आप कौन सा पार्ट यूज में करोगे, हैंड्स। नेक्स्ट है होल्ड ए बैट, क्रिकेट खेलते हो कोई अदर गेम खेलते हो तो उसको पकड़ने के लिए किसको यूज में लेते हो, हैंड्स, उसके लिए भी क्या चाहिए आपको, हैंड्स। नेक्स्ट है ईट फूड, खाना खाने के लिए भी आपको क्या यूज में लेते हो, कौन सा बॉडी पार्ट्स यूज में लेते हो, हैंड्स। हाथों से तो खाना खाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, ईट फूड को भी आप किस में यूज में लोगे, हैंड्स, हाथों से खाना खाते हैं। थ्रो ए बॉल, किसी भी बॉल को फेंकना या चीज को फेंकना, तो उसके लिए क्या यूज में लोगे, हैंड्स। तो ये फाइव पॉइंट है, तो फाइव पॉइंट में अपन क्या यूज में लेते हैं, हैंड्स। अब है लेग्स, एल ई जी एस, लेग्स। तो हैंड्स के जो पॉइंट है वो मैंने आपको बताया कि हैंड्स से आप क्या यूज में ले सकते हो ना। नेक्स्ट है अब है लेग्स, एल ई जी एस, लेग्स। तो स्टूडेंट्स वी कैन डू मैनी थिंग्स विद आवर लेग्स, हम हमारे लेग्स पैरों से अलग अलग तरह की जो कर सकते हैं यूज में लेग्स को ले सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट देखिए स्टैंड, एस टी ए एन डी, स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़े रहना, तो आप किससे क्या यूज में लोगे अपने लेग्स। जम्प, जे यू एम पी, जम्प, कूदने के लिए क्या यूज में लेते हैं, लेग्स। वॉक, डब्ल्यू ए एल के, वॉक, चलने के लिए क्या यूज में लोगे, लेग्स। एंड डांस, डी ए एन सी ई, डांस, तो इनमें क्या यूज में लेते हैं अपन, लेग्स। तो हैंड से क्या कर सकते हैं, लेग्स को कैसे यूज में ले सकते हैं ये बताया मैंने। अब आप आगे देखिए, अब जैसे हैंड्स एंड लेग्स, अब कुछ ये से होते हैं, देयर आर सम थिंग्स दैट वी डू यूजिंग बोथ और हैंड्स एंड लेग्स। कुछ ऐसी चीज करते करते अपन जिससे अपन हैंड्स और लेग्स दोनों को एक साथ यूज में लेते हैं। जैसे फर्स्ट है क्रॉल, मीन्स छोटा बेबी होता है वो अगर घुटनों के बल चलेगा तो हाथ और पैर दोनों को यूज में लेगा। नेक्स्ट है डांस, तो डांस आप करते हो तो उसमें लेग्स भी यूज होते हैं, आपके हैंड्स भी यूज में होते हैं। स्विम, स्विम करते हो, स्विमिंग करते हो आप, तो उसके लिए भी आपको लेग्स एंड आपके हैंड्स दोनों यूज में लेते हैं। राइड ए बाइसिकल, साइकिल चलाते हो आप, बाइसिकल चलाते हो, तब भी आपको हैंड्स और लेग दोनों यूज में लेते हैं। तो इससे ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आपके हैंड्स एंड लेग्स दोनों के दोनों यूज में लिए जाते हैं। तो ये कुछ बॉडी पार्ट्स थे जिनकी हेल्प से अपन टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स विद आवर हैंड्स एंड लेग्स। सो स्टूडेंट्स आपको ये लर्न करने हैं, जिसकी वर्कशीट मैं आपको दूंगी। थैंक यू।